सर मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुकेश ऋषि साहब को आपका किरदार मिला. नहीं, साफ कीजिए, मुकेश ऋषि साहब को मेरा मतलब कौन सा वाला किरदार मिला आप तक ये बात? लगान, लगान में हाँ, वो रोल जो था आपको नहीं मिल रहा था, देवा देवा सिंह सोडी, हाँ वो इनिशियली मिल रहा था मुकेश ऋषि. बिल्कुल बिल्कुल, सच आप तक बॉल, आप तक बात, आपने बड़ा गहरा रिसर्च किया है सर अंदर के सूत्र तो उन्होंने रिजेक्ट किया ये, और उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? सर रिजेक्ट नहीं किया कोई भी एक्टर, लगान जैसी फिल्म और आमिर खान प्रोडक्शन जैसा प्रोडक्शन हाउस को इनकार कर ही नहीं सकता. और ये इतना फेयर प्रोडक्शन हाउस है कि आपको जो आपका तय है उसके लिए आपको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले देते हैं, आपका टाइम आएगा पहले. और मुझे याद है कि लगान मुझे कैसे मिली, मेरे घर में रात को 12 बजे, तब हमारे पास मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, मेरे फ़ोन पे, मैं घर पे जो ये फ़ोन होता ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लैंडलाइन वाला, लैंडलाइन वाला था, ट्रिंग, हाँ, ट्रिंग, उस पे फ़ोन आया, मेरी बहन ने उठाया रात के, हेलो 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 जी कौन बोल रहा है? जी मैं आमिर खान बोल रहा हूँ. मेरी बहन बोली, हैं आमिर खान, हेलो क्यों बदमाशी कर रहे हो, कौन बोल रहा है तुम? बोली जी मैं वाकई आमिर खान बोल रहा हूँ, प्रदीप जी हैं क्या? तो मैंने कहा, मेरी बहन ने बोला, उसको उनको यकीन ही नहीं हुआ कि आमिर खान भला हमें क्यों फ़ोन करेंगे यार. तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानती आप आमिर खान हैं, तो आप प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए, छोड़िए सच्ची बात. तो उन्होंने एक मिनट एक मिनट, ये मेरे बाजू में पथिक उमाशंकर पथिक एक सरफरोश में जो हमने जिसके 25 साल अभी हुए, तो उनमें वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, को डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सब कुछ हैं. तो उन्होंने ही आमिर भाई ने उनको कहा कि मुझे प्रदीप रावत लगान फिल्म के लिए चाहिए, तो मेरे पास नंबर नहीं है, तो तुम ज़रा तुम जानते हो उनको तो मेरी बात करा दो. तो उनसे नंबर लेके दोनों मिलके, पथिक खड़ा है, आमिर भाई फ़ोन कर रहे हैं, तो आमिर ने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तुम बात करो. तो पथिक जो मुझे जानते थे, मेरे घर आ चुके थे, तो उन्होंने मेरी बहन से बात की कि वाकई में आमिर खान बोल रहे हैं, और ये लगान के लिए कल सुबह किसी भी हालत में प्रदीप जी से कहिए कि सुबह वो अगर शूट करना है तो सुबह आ जाएँ और अपना चेक लें, और अपना चेक लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर अपनी शूट पर चले जाएँ. तो ये 12 बजे ये सब खबर सुनी तो पूरे घर वाले हैरान हो गए यार, किसी को नींद ही नहीं आई. जब मैं रात को 3 बजे घर आया हूँ, घर की लाइटें तमाम जल रही हैं, मैं डर गया. मैंने कहा रोज़ तो सो जाते हैं, धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं जाता हूँ, हल्ला ना हो, नींद ना ख़राब हो किसी की, ऐसा क्या हो गया? मैं घबरा गया थोड़ा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? तो जब देखा तो तीनों को तीनों, मैं मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर मुझे ऐसा यूँ करके देख रहे, अवाक होके. अरे मैंने क्या हुआ, क्या हुआ? अरे आमिर खान का फ़ोन आया था, आमिर खान का फ़ोन आया था, वो तुमको अपनी अगली फिल्म में ले रहे हैं, ये वो. ये सुन के मेरी जो बची पुची नींद थी वो भी गायब हो गई. मैं कब 7 बजते हैं, कब मैं उनके ऑफिस जाता हूँ, कब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, और फिर मैं अपनी अगली शूटिंग पे जाऊँगा. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मुकेश ऋषि साहब को उस वक्त, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस वक्त वो साउथ में गर्दिश की वजह से उनका झंडा बुलंदी पे था, साउथ इंडियन फिल्म में, वेदर तेलुगु, कन्नड़, तमिल, सब में बहुत बिजी थे. लगान में क्या हुआ कि एक साथ 6 महीने की डेट चाहिए, तो जो वो 6 फिल्में कर रहे हैं वो कैसे होगी? उनको 6 फिल्में एडजस्ट करनी पड़ेंगी, एक फिल्म के लिए 6 फिल्म तो छोड़ नहीं सकते. फिर पैसे, आज के दिन भी बम्बई से ज़्यादा पैसा एक्टर्स के लिए साउथ में है, आज के दिन, आज भी. कितना फ़र्क होता है सर? कम से कम अगर बम्बई में 100 रुपये मिल रहे हैं तो वहाँ आपको 300 रुपये मिलेंगे. अगर मुंबई में 1 लाख मिल रहा है कि एक्टर को एक दिन का, तो कम से कम वहाँ 3 लाख रुपए मिलेंगे उसी एक्टर को. 300 गुना फर्क, या 3 गुना फर्क, 300 times फर्क पैसे में. और मांगना नहीं पड़ता, यहाँ मांगना पड़ता सर. यहाँ तिवारी जी जो मेरे मैनेजर, ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा आपको. मांगना पड़ता है? नॉट विद मेडॉक फिल्म्स जो छावा कर रहा हूँ मैं. इसीलिए मुझे लगान फिल्म याद आती थी छावा के दरमियान, क्योंकि इतना सफाई, इतनी इज्जत दी जा रही है एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को छावा में. वही इज्जत जो हमने आज से 25 साल 20 साल पहले लगान में अंग्रेज़ों को दी थी, कैनेडियंस, क्योंकि लगान में तो वो लोग भी थे ना, और हम लोग भी थे, तो वो जो वो एक इज्जत का लेवल था. सर मुझे याद आ रहा लगान का एक वाकया, धूप भुज में, बेतहाशा धूप, गर्मी बे इंतहा गर्मी, और रेत, तपती हुई रेत, उसमें शूटिंग करते थे हम. और अधिकतर लोगों के पाँव में तो चप्पल अलाउड नहीं थी, नंगे पाँव करना था क्योंकि गांव वाले थे. मुझे छोड़ के, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं नंगे पाँव
घास पे भी नहीं चल सकता, चमड़ी बहुत ही पतली है तो घास भी चुभती है। तो जब मैं पहली बार, तो सब लोग डायरेक्टर बोले कि ऐसे कैसे यार, तुम कैसे चप्पल पहन लोगे या मोजड़ी पहन लोगे या जूता पहन लोगे, यू आर नॉट अलाउड। मैं क्या करूँ यार, बड़ा फंस गया मैं, तो कैसे करूँगा यार, मैं तो हो ही नहीं पाएगा, अंदर अंदर सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो फौजी हूँ, मैं देवा देवा सिंह सोढ़ी बौनपुर से आया हूँ, अंग्रेजा दे नाल मैनू नफरत हैगी। मेम साहब, जब मैं गेंद फेंकूँ तो तीनों डंडियों की धज्जियाँ उड़ा दूँ, ते जब मैं गेंद खेलूँ गेंदू चीर कर रख दूँ। मैं देखता हूँ उस हीरोइन को, मैनू अंग्रेजा दे नाल नफरत हैगी। ऐसे सब लोग देख रहे मेरे को कि अंग्रेज को यही बोल रहा है। ये वाला मेरा स्टार्टिंग सीन गजब का, ये मुकेश करने वाला था, सोचिए। नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, वो बिजी था वहाँ पे। तो पहले शेड्यूल के लिए पहली बार उसने ओके इसलिए कर लिया कि उसने कन्विंस कर दिया अपने बाकी प्रोडक्शन हाउसेस को कि थोड़ा मेरे को ये कर दो, वो कर दो, एडजस्ट कर दो। तो ये भी एडजस्ट कर, इन्होंने भी एडजस्ट कर दिया, लगान वालों ने भी, और उन्होंने भी एडजस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि लगान वालों की थोड़ी डेटें आगे पीछे हो गई, तो मुकेश को फिर फरमान जारी किया गया कि नहीं भाई, ये वाली डेटें नहीं, अब हमको ये वाली चाहिए। तो मुकेश तो परेशान हो जाएगा यार, कैसे होगा। तो मुकेश ने बोला भाई अब तो नहीं हो पाएगा ये, बस नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्या करें, बिजी थे वो। तो नेक्स्ट चॉइस क्या थी, क्योंकि मैं सरफरोश कर रहा था, सुल्तान बना था, और कुदरतन आमिर भाई को पसंद आया था, बाकी सबको पसंद आया था सुल्तान का कैरेक्टर। तो अब क्या करें, किसको रिप्लेस करें। धड़ाम से वो वाला फ़ोन आया जो मेरी बहन ने उठाया ऐसे मुझे लगा नहीं। तो आज मुकेश ऋषि साहब को आप थैंक यू बोलते हो चार बार सर, मैं उनको कहता हूँ कि, और देखिए कमाल की बात, अभी मुझे मिले ना, पार्टी थी रात को आमिर साहब के ऑफिस में, पार्टी थी, तो मैं सबके बीच में बोला ये, मैंने कहा मुकेश भाई ने अगर लगान कर ली होती तो न सिर्फ मैं लगान से बहुत दूर होता, और मैं साउथ की फिल्में भी नहीं कर पाता, जो आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने सैकड़ों फिल्में कर ली हैं साउथ की, क्योंकि पिछले 23 सालों से मैं लगातार वहाँ फिल्में कर ही रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि तूने वहाँ घर ले लिया, तेरी बीवी भी साउथ इंडियन है, तो तू तो वहीं रहता है, बम्बई की फिल्में तुझे इसलिए नहीं मिल रही, कोई ऑफर ही नहीं आ रहा, क्योंकि एवरीबडी थिंक दैट यू लिविंग इन हैदराबाद और इन चेन्नई। ये मैंने सुना हुआ है प्रदीप जी कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत बैकबाइटिंग होती है, एक दूसरे का पत्ता काटते हैं। इनफैक्ट जितने भी एक्टर्स से मैं बात करता हूँ ओपनली कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं दो या तीन दोस्त हैं, कुछ लोग 30-30 साल बिताते हैं इंडस्ट्री में, बट कहते कि तीन दोस्त। बिल्कुल सही बात। तो आपके साथ बैक बाइटिंग ये सब हुआ? सर सबके साथ ही होती है, बैक बाइटिंग क्यों नहीं होती। मुझे तो एक वो आदमी जो अनट्रेंड एक्टर हो, एक्सीडेंटल एक्टर हो, मैं तो अपने आप को एक्सीडेंटल एक्टर बोलता हूँ, क्योंकि मैं चूँकि बाकी चीज़ें मुझे रास नहीं आई, दिल नहीं लगा, तो एक्टर बनने आ गया मैं, जबकि ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई पुशिंग है, ना कोई सपोर्ट है। सर सपोर्ट लाइन कुछ तो होना चाहिए ना। इनफैक्ट आपने आमिर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ की थी, गजनी आमिर खान ने प्ले की आपकी वजह से, ये मुझे अंदर से पता चला है। यू प्लेड अ मेजर रोल आमिर को, गजनी वाला जो रोल था वो शायद इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें, वो नहीं करना चाहते थे, और आपने करवाया, कैसे? सर चूँकि आप तमिल हैं तो आपको ये वाली पूरी कहानी तमिल बेस्ड कहानी नल्लैर के आ, ये वो वाली कहानी है। जब मैं तेलुगु फिल्मों में कामयाब हो गया, पहली फिल्म जो राजमौली साहब के साथ की थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि राजमौली ये वाले राजमौली हैं, बाहुबली वाले राजमौली। उनकी सेकंड साई की थी और जो एक ऐसी कामयाब फिल्म है, जब ये फिल्म बनी ये मिलना ही बहुत बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि वो एक कॉलेज के यंगस्टर रग्बी पे बेस है ना, रग्बी इज़ द मोस्ट टफेस्ट गेम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा टफ मतलब बॉक्सिंग ही होगी, बाकी स्पोर्ट्स तो वैसा दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि उसमें फुटबॉल कुछ नहीं उसके आगे, सबको हमारे यहाँ खेलते नहीं इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं, हमें भी नहीं पता था। तो ये यंगस्टर्स का गेम है रग्बी ऑब्वियसली, पर मैं जब मुझे बुलाया उन्होंने, फाइनल लास्ट ऑडिशन किसी ने अगर दिया है तो वो मैं था एक्टर का, बाकी तमाम साउथ इंडिया के और तमाम बम्बई के लोगों से ऑडिशन हो गए थे, अब उनके नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, सबसे हो चुके थे क्योंकि सब वो नोन एक्टर्स थे, सबका हो गया था। वो राजमौली जी का पता है ना कि उनको जब तक कि मन नहीं कहता वो मांगते ही रहते हैं, एक और टेक, फिर एक और, फिर एक और, फिर इसको लाओ उसको लाओ, ऐसा करते रहते थे।
तो अब ये भी एक लंबा किस्सा है, वही मुकेश ऋषि फिर से आ गए सामने, घुमा फिरा के मुकेश ऋषि आ जाते आपकी तरक्की के लिए। हाँ, मेरा दोस्त यार, मेरी तरक्की के लिए आता। अगर लगान उन्होंने कर ली होती तो मैंने लगान नहीं कर पाता। लगान चूंकि मैंने की तो राजमौली साहब के असिस्टेंट ने लगान देखी, तब उनको याद आया कि अरे मैं देवा सिंह सोढ़ी लुधियाने से आया हूँ, इसको तो हमने चांस ही नहीं दिया यार ऑडिशन का, बुलाओ इसको। उसने राजमौली से चर्चा की कि सरदार को तो सरदार है कौन, सरदार कौन है भाई। तब मेरे ख्याल से गूगल वगैरह इतना था नहीं कि कौन गया है, तो ढूंढे कैसे। तो उन्होंने बाकायदा एक एजेंसी हायर की जिसने सरदार को ढूंढा, सरदार देवा सिंह सोढ़ी को। मैं लुधियाने से आया हूँ, अरे भाई तू है कहाँ अभी। मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा हैं ऐसा ऐसा है साउथ में। तब सर साउथ का इतना बोलबाला और वो सब था नहीं मामला, साउथ को उतना इम्पोर्टेंस, साउथ की फिल्मों को इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता था। गजनी जैसी फिल्म जो हिंदुस्तान की सिनेमा हिस्ट्री की पहली 100 करोड़ फिल्म है ऑफिशियली, द फर्स्ट फिल्म विच क्रॉस 100 करोड़ रुपीज कमर्शियली इज गजनी, बताइए। वैसी फिल्म मेरे ख्याल से 5 साल तक रैक में रखी गई, पड़ी हुई है, बन गई रीमेक का, कोई रीमेक कुछ था ही नहीं, रैक 5 साल से पड़ी हुई थी। तो जब मैं राजमौली साहब ने जब मुझे बुलाया उस फिल्म के लिए, तो उसका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा भाई राजमौली साहब को तो मैं जानता नहीं हूँ। बोले बहुत बढ़िया एक्टर है, मैंने कहा बहुत बढ़िया डायरेक्टर। मैंने कहा कोई चलो कहाँ जाना है, बम्बई में कहाँ, बम्बई में नहीं है सर ट्रायल आपका, कहाँ होगा, हैदराबाद होगा। मैंने कहा सुनो हैदराबाद में आता हूँ पर मुझे रिटर्न टिकट चाहिए। क्यों मांगा, क्योंकि हमें पता है ना वो बुला लेते हैं फिर बुलाने के बाद वो भूल जाते हैं कि कौन कहाँ है, अपना अपना जाओ अपना अपना बोरिया बिस्तर। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ऑडिशन ठीक ना गया हो सर, ऑडिशन ठीक जाए, हाँ अगर ठीक जाए तो फौरन तो फैसला होता नहीं है ना, फौरन तो फैसला होता नहीं है कि भाई इसको वापसी का क्या दिया जाए, नहीं दिया जाए, लंच दिया जाए, नहीं दिया जाए। तो मतलब ऑडिशन दिया और फिर खुद अपने घोड़े में वापस आओ। तो मैंने कहा यार हैदराबाद है तो फ्लाइट से जाना है, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया तो मैं कहाँ नल्ला एरिया कहाँ ढूंढता रहूँगा यार, किसको ढूंढूंगा, कैसे आऊँगा। फ्लाइट फ्रूट उतनी आसान थी नहीं तब, लिमिटेड फ्लाइट्स होती थी। तो अरे वो कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको साउथ का पता नहीं है। मैंने कहा वाकई पता नहीं है। अरे सर आपको देंगे, आप आइए, ये आपका जाने का, ये आपका लौटने का टिकट, कब आएंगे आप। तब मैं फिल्म कर रहा था दीवार, दीवार मतलब ये एक और दीवार है जो अमित जी की थी जिसमें दूसरे एक्टर थे संजय दत्त थे वगैरह, ये वो जेल वाला दीवार फिल्म था। तो मैं ऑडिशन दे के आया, ऑडिशन खुदा ना खास्ता बढ़िया हो गया। तो राजमौली ने टाइम लिया कुछ 15-20 दिन फाइनलाइज करने के लिए, फिर मुझे फाइनल कर लिया। फाइनलाइज इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि जो स्क्रिप्ट थी वो यंगर लड़के की थी, कॉलेज की स्टूडेंट की फिल्म थी, तो मैं कहाँ से कॉलेज स्टूडेंट दिखूंगा। तो उन्होंने अपनी, सोचिए आप राजमौली जैसे बड़े डायरेक्टर ने अपनी स्क्रिप्ट में पूरा चेंज किया, जो कॉलेज स्टूडेंट की फिल्म थी उसे गुंडे मवाली की फिल्म बनाया, क्योंकि मैं उसमें गुंडा हूँ, बदमाश हूँ। जब मैं मेकअप करा रहा था तो एक आदमी, ये मिरर है, ये मैं हूँ और पीछे एग्जैक्टली डोर है, तो मुझे मिरर में डोर दिख रहा था। तो मैं मेकअप, वो मेरे को मेकअप कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि दरवाज़ा खुला, थोड़ा सा खुला, कोई आदमी, वो झाँक के दरवाज़ा बंद करके चला गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो मैंने कहा यार ये कौन है यार, क्यों ऐसा बार बार यूँ कर रहा है, आना का अंदर आए पूछे क्या करना है, कौन है ये, अगली बार खुलता तो बुलाओ उसे। अगली बार दरवाज़ा गया तो मेरा असिस्टेंट था, हो गया, बोलो क्या चाहिए भाई, कौन हो तुम। मैं डायरेक्टर जी, मैं डायरेक्टर मुर्गूदास, देखना था एक्टर देखा है। अरे मैंने कहा छो, मैंने कुछ डांटा नहीं उसको यार, इट वॉज द स्टार्ट, पता ही नहीं चल रहा था कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि मुर्गूदास की शख्सियत कुछ उस किस्म की नहीं है कि वो इम्प्रेस करें। फिर भाषा नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, हिंदी का तो सवाल ही नहीं है। सो वाइल मेकिंग दिस फिल्म द रोल विच आई प्लेड इन गजनी वॉज अ डबल रोल, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी वॉट पीपल नो इन हिंदी फिल्म, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो आमिर साहब जब उसमें आए तब उन्होंने अपने हिसाब से उस फिल्म की कहानी में तब्दीली की, चेंज किया उसको। ये फिल्म वहाँ पे प्रकाश राज कर रहे थे, गजनी प्रकाश राज जी कर रहे थे, वो टाइटल रोल कर रहे थे, वो टाइटल रोल नहीं, सूर्या टाइटल, हीरो तो सूर्या थे, प्रकाश राज विलन थे, जो बाद में हीरो सूर्या रहे और मैं कल्पना थी और फिर मैं था डबल रोल में, गजनी में डबल रोल था, राम एंड लक्ष्मण।
तो वो किस्सा भी कुछ ऐसा है कि प्रकाश राज जी के बिना जितना काम कर सकते थे डायरेक्टर, वो सब काम कर लिया। एक पल ऐसा आ गया कि अब प्रकाश राज के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता। होता है ना किसी एक्टर को, उसके बिना चलो कर लेते हैं, नहीं आ रहे चलो कर लेते हैं, नहीं आ। अब ना आने का रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है, पर वो नहीं आए शूटिंग पे, बोल के भी नहीं आते थे, पता नहीं उनको पता होगा क्या है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि कल शूटिंग ही नहीं हो सकती अगर प्रकाश राज नहीं है, तो तब क्या करें। तब मुझे बुलाया गया। तब वो जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि कल्पना को मारा, वो सब सिर्फ शूटिंग नहीं थी, शूटिंग भी थी और इट वॉज एट माई स्क्रीन टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि प्रकाश राज एक बहुत ही कद्दावर एक्टर रहे हैं और अभी भी हैं, काफ़ी काम किया हमने साथ में। तो प्रकाश राज को एक नए एक्टर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, तो कैसा करेगा वो देखने के लिए ट्रायल था। मुझे नहीं बताया गया, तो मैं अपना पूरा ताकत से, मुझे अगर बताया गया ट्रायल तो हो सकता है कि मेरी इंटेंसिटी भी कम हो जाती, पर मैंने तो उसी हिसाब से किया, भम भम। तो वहाँ मुर्गुदास बड़े इंप्रेस हो गए, पिक्चर बड़ी सुपर हिट हो गई, फिर तेलुगू में रिलीज़ की, तेलुगू में भी सुपर हिट हो गई, वहाँ पे भी मेरे इतू सा फोटो था, वो फिर वो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि सब कुछ तो वही है, विलन ही सब कुछ है उसमें। लव स्टोरी का खात्मा, इतना क्रूड लव स्टोरी का खात्मा शायद कम फिल्मों में हुआ होगा जो गजनी में हुआ था। तो देन उनको पता चला हमें हिंदी बनानी, हिंदी बनानी, हिंदी बनानी है। प्रदीप जी, प्रदीप जी, ट्राई ना, ट्राई ना, आप तो सबको जानते हो, इतने लोगों को जानते हो, मुझे मालूम आप सलमान के करीबी रहे हो, आमिर खान के साथ फिल्में की। हाँ हाँ, मैंने कहा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अब फिल्म इतनी सक्सेस हो गई, इतनी बड़ी, तो मुझे भी लगा कि यार ये कामयाब फिल्म है, वाई शुड आई हेल्प हिम टू रिप्रोड्यूस इन हिंदी। और मुझे अपना लालच क्या था मेरा कि मेरे को कम से कम ये रोल करने को मिलेगा, गजनी वाला रोल, गजनी मतलब। तो मुर्गुदास जी मुझे बार बार कहते कि हिंदी में बनाना है, हिंदी में बनाना है, तो आप तो आमिर भाई के साथ आपने इतनी फिल्में की है, सलमान के साथ भी आप एक ज़माने में बागी फिल्म की थी मैंने सलमान के साथ, पहली संग दिल सनम, संग दिल सनम, वाह क्या बात है। तो बागी सर आप बैठे मेरे सामने, रिसर्च करके नहीं बैठूंगा तो फिर मेरे पे आया ना सर, व्हाट अ बॉडी ऑफ वर्क, इट बी डिसरिस्पेक्टफुल देन सर। तो सलमान पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि बागी अगेन कामयाब फिल्म। तो मुर्गुदास जी का यह था कि उनको सलमान बहुत करीब लग रहे थे, जो आप एक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं सलमान के साथ, मुर्गुदास को रिपीट कर रहा है सलमान अब। तो मैं मन में सोचा कि यार सलमान शॉर्ट टेम्पर्ड है, और ये मुर्गुदास को ना हिंदी आती अंग्रेज़ी नहीं आती, तो पर्सनैलिटी भी उनकी कोई ऐसी खास विशेष है नहीं, उस समय तो बिल्कुल नहीं थी, अब तो हो गई अच्छी बात, कैसे करेंगे यार। मैंने कहा आमिर भाई करेक्ट रहेंगे, वो कूल टेम्पर्ड हैं, बहुत ही तहजीब से पेश आते हैं सबके साथ। सर 25 सालों में एक आमिर के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, आप ये मत समझिएगा कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ या उनके गुणों को एक एक करके पेश कर रहा हूँ। उनको मैंने आज तक किसी भी तरह से किसी भी आदमी के ऊपर ज़ोर से या बदतमीजी से बात करते हुए भी नहीं सुना। गाली देना तो बहुत दूर की बात, हम तो खामखा ही गाली मुंह से निकल जाती है, खामखा ही, बेवजह ही, और गुस्सा आता है तो फिर काबू ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता हम लोगों को। आमिर खान ऐसा आदमी है, आज सर 25 साल छोटा टाइम नहीं होता किसी इंसान को पहचानने के लिए, एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, वो नाटक कर सकते हैं बस कुछ घंटों के लिए, दिनों के बस लिए, बस उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते 25 साल। दूसरा उनका है कि आदमी गाली और हाथ किस पे उठाता है, जो उससे कमज़ोर होता है। आज अगर मुझे कुछ नहीं जमेगा, कॉफ़ी गंदी है, आपको नहीं बोलूँगा मैं क्या कॉफ़ी बनाया था, उसको बोलूँगा, लड़के को जो कॉफ़ी लेके आया, आपको नहीं बोलूँगा। तो आदमी उसी पे अटैक करता है जो उससे कमज़ोर हो, उसी को गाली देगा, उसी को मारने के लिए आगे जाएगा जो उससे कमज़ोर हो। जहाँ चार सरदार दिख जाएंगे आपको एनिमल, तो वहाँ आप भी थोड़े से छोड़ो यार, कोई बात नहीं, हो जाती गलती, अटैक नहीं करेंगे आप, देखेंगे भी नहीं उनकी तरफ घूर के, ये एक फितरत है इंसान की, चालाक है ना। तो मुझे लगा कि नेचर वाइज सलमान शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, तो आमिर विल बी ए राइट पर्सन टू नो। तो मैंने आमिर भाई से कहा कि सर एक बात कहनी है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कहिए क्या बात। मैंने एक फिल्म की है तमिल में, वो बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया कहानी है उसकी, आप एक बार देखिए ना उसको। मैंने ये नहीं कहा कि रीमेक करना है,
मैंने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखेंगे। तो आमिर क्या है कि वो शरीफ तो है पर चालाक बहुत है यार। बहुत चालाक, बहुत होशियार है। तो ताड़ गया कि ये यहाँ से शुरुआत। पर सर तब इतना रीमेक का ज़माना था भी नहीं, शायद जीतू सर और अनिल कपूर या बोनी कपूर लोग ही रीमेक्स लेके आते थे वहाँ से, जो यहाँ रोमांटिक फिल्में बनाते थे साउथ की, बाकी इतना प्रचलन था नहीं, तो वैल्यू भी नहीं थी उस किस्म की। हाँ हाँ, टाले गए, टाल दिया उन्होंने। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं, बताइए अब, मैं बताता हूँ आप। तो सिलसिलेवार रोज़ तो मैं मिल नहीं सकता था उनसे, या हफ्ते में नहीं मिल सकता था, सिलसिलेवार कभी कभार ही मुलाकात। मैं हमेशा आमिर भाई देखेंगे, कब देखेंगे क्या सर। गजनी सिर्फ इसलिए बनी कि आमिर भाई मुझे ना नहीं कर पाए। आपने सलमान के साथ बहुत काम किया है, संग दिन सलम, पत्थर के फूल, बागी। सलमान के साथ कैसे रहा? सलमान के साथ शुरुआत हुई बागी से। तो वहाँ बुड्ढा बुड्ढा करके ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बाकी सब यंगर जनरेशन थी, उसमें वो एक हैवी बॉडी थी। अब वो नहीं रहा बेचारा। और ये मास्टर, क्या नाम है उनका, मास्टर चाइल्ड आर्टिस्ट से वो बड़े आर्टिस्ट बने हैं, मास्टर राजू सॉरी, मास्टर राजू वो थे। सलीम वो एक मोटा था, वो भी चला गया। मैं और सलमान भाई, हम लोग चार लोग हैं मेन कास्ट बागी की, और नगमा ऑफ कोर्स। तो हो गई चिढ़ाते चिढ़ाते दोस्ती हो गई, फिर उनको भी वर्कआउट का शौक, मुझे भी वर्कआउट का शौक। एक ज़माना ऐसा आ गया था कि कुछ महीनों का, चार छः महीनों का, कि मैं सलमान मुझे वापस ही नहीं जाने देते थे घर। आमिर भी यही करते थे आपके साथ? नहीं, आमिर ये, हाँ आमिर ने आपको जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया, बराबर। सारे खान साथ है क्या, भाई रहे उनके साथ। सलमान भाई मुझे जाने नहीं देते थे, और कपड़े लत्ते खाना वहीं, सोना वहीं, एक्सरसाइज करना वहीं, कपड़े चेंज करके नहा के वापस बाहर जाना, पार्टियों में जाते थे वो। तो मेरे पास तो उस किस्म के सूट भी नहीं होते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह पार्टी करते थे, तो किराए के सूट भी मंगाए जाते थे मेरे लिए। कौन? सलमान मंगाते थे? सलमान मंगा दी। तो सोमी अली वाला जो सलमान का पीरियड रहा है, अफेयर तो बहुत सारे हो गए उनके, पीरियड रहा है सोमी अली वाला पीरियड, फिर किसी और का पीरियड, फिर किसी और का पीरियड, संगीता बिजलानी वाला पीरियड, आपने सब देखा है? वो सब मैं बहुत करीब से देखा है। सलीम साहब के साथ भी काफ़ी, उनके पिताजी के साथ, वालिद साहब के साथ, सलीम साहब के साथ। किसके साथ सलमान का सबसे ज़्यादा प्यार था? सलमान का प्यार क्या है, इतना बड़ा है ना कि वो सबके साथ ही हो जाता है। सलमान वैसे दिल का बड़ा गजब का आदमी है, वो गजब का इंसान है। जब उनका सोमी अली के साथ रिश्ता टूटा तो आप थे उस समय? मैं था। उन पर क्या बीती? इन पे शायद कुछ ज़्यादा नहीं बीती, सोमी अली पे बहुत बुरी तरह से बीत गई। सलमान यार इतना खूबसूरत है ना कि वो, उनको कमी नहीं है किसी बात की। मोस्ट हैंडसम गुड लुकिंग हंक इज सलमान का। ऑफकोर्स अदर्स आर ऑल्सो, आमिर भी कुछ कम नहीं है। नहीं, पर क्या सलमान और सोमी आपको बोलते थे उनके? अरे दोस्त, वही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ, अपनी अपनी कथा सुनाते थे वो, अपना साइड और सलमान अपना साइड सुनाते थे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सालों तक मैं मिला नहीं सलमान से, फिर मुझे लगा कि मैं बहुत दिनों तक अगर सलमान के साथ रह जाऊंगा तो शेरा जो अब उनका बॉडी गार्ड इंचार्ज है उसको जगह नहीं मिलेगी, मैं शायद वो बन के रह जाऊंगा। तो मैंने कहा कि इतनी आसान ज़िंदगी क्या मतलब, एक स्ट्रगल पीरियड में खाना पीना उठना बैठना ही आसान ज़िंदगी हो जाती है, इतनी आसान ज़िंदगी से मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा, आई शुड नॉट बी इन दिस ज़िंदगी। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। बहुत साल के बाद सलमान मुझे मिलते हैं, वो खारडांडा रोड पे जहाँ गैरेजेस वगैरह हैं, उस रोड पे सलमान अपनी बड़ी वाली गाड़ी में आ रहे थे, मेरे पास मारुति वैन थी। तो उन्होंने भी मुझे देख लिया, मैंने भी उन्हें देख लिया। तो मैंने कहा अब क्या करूँगा यार, सलमान क्या करेगा, मतलब मैं ये सोच रहा था कि वो क्या करेगा, उसके हिसाब से मैं करूँगा, अब अपनी चाल उसके बाद चलूँगा, वो क्या करते हैं। तो उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी, तो मुझे भी गाड़ी रोकनी पड़ी, ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ट्रैफिक रुक गया, भीड़ लग गई, सलमान देख के सब सारी दुनिया आ गई। वो गाड़ी से उतरा, मैं भी गाड़ी से उतरा, वो मेरी तरफ चला, मैं उनकी तरफ चला, वो गले मिले। आ मुद्दा कहाँ है तू, आता नहीं है,
अब इधर भीड़ बढ़ती जा रही, पुलिस वाले आ गए, ट्रैफिक वाले आ गए, दुनिया भर के लोग, हाँ किधर है तू, वेरी बैड, वो सब भरत मिलाप हो गया यार, वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है भाई मैं आता हूँ आता हूँ। फिर वो पुलिस वुलिस आ गई, हटाओ हटाओ गाड़ी, हटाओ गाड़ी, हटाओ गाड़ी। जब आप सलमान से धीरे धीरे करके निकल रहे थे उनकी इनर सर्कल से, उनकी दोस्ती से, क्योंकि आपको लगा कि ये लाइफ बहुत इजी है, इजी है और मुझे संघर्ष करना और मैं और कुछ मुझे कुछ और बनना, मुझे कुछ और बनना और मैं कुछ और बन जाऊंगा यहाँ पे, ऐसा रहा तो तब उनको वो समझ नहीं आया, नहीं आया समझ, उनकी लाइफ इतनी बिजी थी ना, मैं भी एक उनकी बिजी लाइफ में मेरा भी एक पार्ट था, क्योंकि कुछ वक्त वो मेरे साथ भी थे, इसलिए मुझे जाने नहीं देते थे। कभी कभी मैं बैंक जाता था, कैन यू बिलीव, सलमान भाई आके मेरे बैंक में दरवाज़ा खोल के मेरे अंदर आके मेरे बाजू की कुर्सी में बैठ जाते थे, सलमान खान सिटिंग नेक्स्ट टू ए बैंक क्लर्क इन बैंक प्रिमाइसिस इन द बैंक ऑफिस, बताइए। तब उनके पास वाइट कलर की जिप्सी होती थी, यही बताया मुझे, इतना लगाव था, कमाल है, गजब, बैंक वाले पागल हो जाते थे यार। दिस इज ट्रू गुडविल प्रदीप जी, यानी आप अच्छे एक्टर तो थे ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट आप अच्छे इंसान थे, तभी सलमान हो आमिर हो आपको जाने ही नहीं देते थे, दैट्स द ब्यूटी अबाउट यू, क्योंकि ये लोग स्पेशली बहुत कम लोगों को ट्रस्ट करते हैं, और इतना ट्रस्ट हो गया आप पे क्योंकि आप दिल से चीज़ें करते हैं, कि वो बैग में आते थे, सलमान आपके बगल में आके बैठ जाता था, एक बार नहीं कई बार, आमिर आमिर लगान की शूटिंग आपको जाने नहीं, नहीं जाने दे, मुझे ही नहीं और भी जो एक बैच में जो दो चार जा रहे थे, नहीं जाने दी, बैठी सब बैठी। सलमान और संगीता का ब्रेकअप हुआ था, तो उस वक्त किस पर क्या बीती, उस पर भी वही सिचुएशन था, संगीता भी आपको बोलती थी, सलमान भी बोलते थे, वही होता था, वही होता था, माने आप सबके कॉन्फिडेंट हो गए थे। सर मेरे को हाँ हाँ करना पड़ता था, क्या करूं मैं इसके अलावा, तो उसमें कौन ज्यादा दुखी था? ऑब्वियसली यार संगीता, और क्या, सलमान जैसा इंसान कौन खोना चाहेगा, माने सलमान हार्ट ब्रेकर थे, हार्ट ब्रेकर नहीं है सर, क्या होता है बहुत बार हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, गलतफहमी है या एक रोष है, सलमान इज ए वेरी क्लीन एंड नीट हार्टेड, ही कैन नॉट हर्ट एनी वन, आई एम श्योर ही कैन नॉट, क्योंकि आप थे, सलमान एज अ लवर आपके अनुसार कैसे थे? फैंटास्टिक, जब वो मेरे जैसे इंसान को जाने नहीं दे रहे, मतलब वो चाह रहे हैं कि समय साथ में बिताएं, हम जाने नहीं देगा मतलब यही कि साथ में खाएंगे पियेंगे एक्सरसाइज करेंगे और क्या है, तो सोचिए आपके जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होंगे उनके साथ क्यों नहीं अच्छे रहेंगे, शाहरुख खान वो कोयला एक्सेप्शन है, हाँ आप किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था सर, ये रोशन साहब, राकेश रोशन इज ए वंडरफुल पर्सन, तब ऋतिक जो थे वो असिस्टेंट थे उनके, जब हम कोयला कर रहे थे, मुझे याद है ये जॉनी लीवर और मेरा रूम आजू बाजू में था, तो ऋतिक जो हैं वो जॉनी लीवर को स्क्रिप्ट देने आते थे शाम को, सवेरे के सीन की स्क्रिप्ट देने आया करते थे, और राकेश जी तो कमाल के आदमी हैं, कमाल के आदमी, दिलदार, दिलदार गजब के, और हर शाम अगर रंगीन ना हो तो राकेश रोशन जी की शूटिंग ही नहीं है, सबको बुलाएंगे वो, आओ 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 खाओ खाना पीना ये वो महफिल दोस्त यार दुनिया भर के, फिर डिस्को थक जाएंगे, फिर वहाँ जब अगर जो जो है जंगल में तो चलो फायर हुआ ये हुआ वो हुआ खाना पीना हो गया, पर अगर डिस्को थे गए तो फिर वहाँ जाएंगे डिस्को में डांस करेंगे, सबको लेके जाते थे, नॉक कर करके बुलाओ उसको, मैं भी उसमें एक होता था, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई इनसे, वो हमारे इंटरव्यूज बहुत देखते हैं सर, अच्छा राकेश जी देखते हैं, बड़ी प्यारी तरीके से मुझे मैसेजेस भेजते कि इंटरव्यू इतना अच्छा लगा, दिल छू गया, अब वो खुद कितने अच्छे लग रहे हैं, और उनकी मिसेस भी देखती है, मैं अच्छा, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड, फैंटास्टिक। शाहरुख क्या था,
शाहरुख का डायनामिक्स इसमें क्या था आपके साथ? मेरा उस शाहरुख खान को छोड़, शाहरुख खान के साथ उतनी नज़दीकी हुई नहीं। शाहरुख खान हालांकि सबसे सबसे तमीज़दार, बेहतरीन, वंडरफुल पर्सन, इतनी सिगरेट पीने वाला आदमी, इतनी शाहरुख के बारे में मुझे इतना याद है कि इतनी ज़्यादा सिगरेट पीने वाला एक्टर मैंने दूसरा नहीं देखा। शाहरुख खान है, संजय दत्त हैं, ये हमारे और भी एक दो हैं जो बेहद स्मोकिंग करते हैं। शाहरुख गजब, एक सिगरेट मतलब ये सिगरेट उन्होंने आधी पी, उससे ही जलाई और ये फेंक दी, फिर ये लगा दी, फिर आधी पियेंगे, दूसरी निकालेंगे, उससे जलाएंगे, चेन स्मोकर। और क्या डेडिकेशन, क्या हार्डवर्क सर, कहाँ थे हम लोग? तवांग जो चाइना बोल रहा है कि उसका है, वहाँ थे हम लोग। पूरी लगता ही नहीं कि हिंदुस्तान है ये, जब आप तवांग जाएंगे लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में, इतना अलग है, साफ सुथरा। और क्या कमाल की हिंदी फिल्म्स की पॉपुलरिटी की वजह से तवांग के जो लोग हैं कितना हिंदी जानते हैं, कितना फिल्में जानते हैं, कितना फिल्में गाना गाते हैं, कितने एंजॉयबल हैं, इतने इतने ज़्यादा इज्जत देते हैं, पूछिए मत, गजब।